और सुनना है तो नीचे से ज्यादा देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे बैठना और न दिखाई दे और न सुनाई दे। इसलिए जो चौथी पांचवी छठी रो में बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, एक तो बातें न करें और दूसरे शांति से रहें। अबे थल्ले गल नहीं करो कोई, ना मीडिया वाला था ना घोर कोई। मेरे दिल की धड़कने जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो देहातों में रहते हो, कस्बों में रहते हो, शहर में रहते हो, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारी शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकवा बकरवाल गद्दी हो, एससी के हमारे भाई हो, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहने हो, ये तमाम मेरे दिल की धड़कने। मैंने जिंदगी में 53 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा, चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान, उस इंसान मेरा, अब चुप रहो खाली, कोई नारा नहीं लगाया। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम, मेरा नाम सबको मालूम, गुलाम नबी, लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे एक साल लगेगा वो आपकी वीडियो और मैसेज पढ़ने में, और उसके लिए मुझे एक साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में, मैं उन सबका शुक्रिया यही करता हूं, मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है, मैं कश्मीर वादी के लोग हूं, जम्मू कश्मीर के तीनों खेतों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे उस यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा आज की इस पहली मीटिंग में, मैं उनका भी धन्यवाद हूं। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद तो मैं किया, मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर, जो तकरीबन 95% सबका मिनिस्टर, 95% सबका एमएलएज एमएलसीज और 99% डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स, जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का, सब डाइस पे हैं, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन,
और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में दबाऊंगा। लेकिन बिलखसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता, कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे, उनमें से 3 एमएलए 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए, मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे, उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जीएम सुरुड़ी साहब और पीर पंचायत से चौधरी अकरम साहब बचे थे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिजॉल्व्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं, ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत गए। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है बट साहब जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे, तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है, मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाए। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआई कहूंगा, वो चाहे कितनी भी गालियां दें हमारे लिए अजीज ही रहेगा।